नमस्कार, जे एन एन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके सामने कुलदीप सिंह वर्मा। यूपी में नहीं सुरक्षित हैं पत्रकार, आए दिन पत्रकारों पर हमला। पूरा मामला बाराबंकी विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत तीरगांव कस्बे में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सतेंद्र यादव पत्रकार को ग्रामीण ने सूचना दिया था कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौके पर जब विद्यालय में कवरेज करने गए पत्रकार, तभी प्रिंसिपल अजय सोनल व एक महिला शिक्षक ने पत्रकार सतेंद्र यादव से अभद्रता से पेश आए और दबंगई दिखाते हुए कहा, कैमरा बंद कर बे, कहकर कैमरे की तरफ झपटे और धक्का मुक्की कर कैमरा बंद कर दिया और हाथापाई करने लगे। पत्रकार का ब्लूटूथ मोबाइल पटक दिया और थप्पड़ मारकर एक घंटा बंधक बनाकर स्कूल में बैठा कर रखा। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस। पत्रकार सतेंद्र यादव ने FIR दर्ज कर न्याय की मांग की। सत्रिक थाना प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज ने बताया, उचित कार्रवाई करेगी पुलिस। वीडियो में साफ साफ दिखा रहा है के प्रिंसिपल द्वारा भर्ती की गई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि पत्रकारों से भर्ती करने पर 6 माह की सजा व 50,000 जुर्माना। यूपी में अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या कैमरा नहीं ऐसा है भाई, सुनिए हस्ताक्षर मत करिए, हस्ताक्षर मत करिए। मैं विद्यालय आया हूँ, यहाँ पे मौके पे देखने के लिए आया हूँ, समझे? हस्ताक्षर मत करिए। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम पढ़िए, वहाँ पढ़िए नाम। नाम क्या है ये बताइए, विद्यालय में नाम क्या है? 112 नंबर फोन लगाइए, जरा लगाइए, फोन लगाइए, लगाइए लगाइए 112 नंबर। हम लगा रहे फोन, तुम क्या लगाओ? हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, विद्यालय से लगाइए, लगाइए। मैं बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो आप? आप परेशान कर रहे हो बच्चों को? यहाँ पे देखने के लिए बच्चे पे सूटर हम अपना आई कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, फोन में नहीं होता, हाथ पे दिखाइए। अभी आई कार्ड दिखा रहे हैं, अभी विद्यालय हम हमसे हस्तक्षेप कर रहे हो ना? पहले मैं आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या समय से टीचर आते हैं यहाँ पे कि नहीं आते हैं? अब उनका कोई समय नहीं, कितनी टाइम आवे, कितनी टाइम बच्चे आवे घूमत हैं, मगर यूँ है कि बच्चे से पूछा जाए क्यों कितना पढ़े बच्चे, तो एट की स्पेलिंग भी नहीं बता पा रहे हैं, कक्षा आठ का बच्चा। जब उनका पढ़ावा नहीं जा रहा तो बताऊँ का विद्यालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी के अंदर थोड़े पिले दिए थे, क्या पिलने भी नहीं दिया? आप लोग गार्जियन है, आपको जाना चाहिए। गार्जियन है आप लोगो को नहीं पिलने दिया? बाहर बैठो। अच्छा बाहर बैठने देते हैं। उमेश कुमार। अच्छा ये सरकारी स्कूल के बारे में क्या जानते हैं, कैसे कैसा है स्कूल? ये स्कूल का दो लड़का आवत है पढ़ाई जी, क्या व्यवस्था है स्कूल? 15 रोज सही नहीं रहे मैडम टीचर। मैडम टीचर शशि है, दूसरे नहीं जानते हैं कौन है। अच्छा आपका बच्चा किस क्लास में है? एक है कक्षा एक में, एक है दो में। पढ़ाई कैसे कैसे बच्चे आपके हैं पढ़ने में? पढ़ने में अगर जैसे मतलब यूँ रहे उससे तब है कोई मतलब कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा ना? ना टीचर आते हैं टाइम से? टीचर आते हैं कि नहीं? टीचर टाइम से हम ये कोई टाइम जानते नहीं, कितनी टाइम हाथ कितनी टाइम जाती है। आपका नाम? सत्येंद्र कुमार यादव। आपके साथ क्या घटना घटित हुई और किसने आपसे दुर्व्यवहार किया है? एक टीचर है कोई अजय सोनाल नाम करके प्रिंसिपल है, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही स्कूल की बात की। स्कूल कौन सा? स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट करके ऐसा कुछ है, तीरगांव में है, जो मौके पर 10:30 बजे हम वहाँ मौके पर पहुँचे और कवरेज के लिए पहुँचे, तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन लिया, हमने अपना सही पर्चे भी दिया और पर्चे देने के बाद उनसे मतलब बातचीत भी हमने ऑफिस से कराई, लेकिन उन्होंने पर्चे को इग्नोर करके पुलिस को सूचना किसने दी? हाथापाई की। पुलिस को सूचना किसने दी? वो स्वयं उन्होंने ही दी थी पर्चे, मतलब सूचना उन्होंने ही दी। क्या कह रहे थे? हमसे ये कह रहे थे कि आप कैसे अंदर आ गए, कैसे क्या हुआ, आप अपनी ID क्यों नहीं लेकर के आए? सवाल इस बात का ID नहीं उठ रहा है, हम अपने कवरेज पे गए थे, अब हमने अपने पर्चे दे दिया, उसके बाद फिर आपको दिखा भी देते लेकिन अगली बार मतलब मौका ही नहीं दिया हमको। आपने थाने पर तहरीर दी? हाँ तहरीर दी है, तहरीर पे जो है विधि कार्यवाही करने के लिए अवशासन दिया है थाना प्रभारी ने।